बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम इनवर्स, लैपलास, ट्रांसफॉर्म के तीन फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। पहला है हमारे पास लैपलास इनवर्स। एक बटा एस एक के बराबर होता है और लैपलास इनवर्स एन का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन टी की पावर एन के बराबर होता है और लैपलास इनवर्स एक बटा एस की एस माइनस ए बराबर होता है ई की पावर ए टी। ठीक है, अब मैं आपके सामने मुख्तलिफ एग्जांपल्स करूंगा जिसमें ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लैपलास इनवर्स एक बटा एस की पावर तीन। ठीक है, अब आप देखेंगे ये किस से मैच कर रही है। एक बटा एस की पावर तीन ये इससे मैच करती है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, लैपलास इनवर्स एन प्लस वन इसके ऊपर जो फैक्टोरियल होना चाहिए वो एन का होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास इधर पाँच है तो ऊपर चार का फैक्टोरियल होना चाहिए, यानी जितना इसकी पावर है उससे एक का कम ऊपर फैक्टोरियल होना चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दो का फैक्टोरियल से ज़रब भी करूँगा और तकसीम भी, ताकि ये हम फार्मूला इस पर अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब दो का फैक्टोरियल हम जानते हैं दो के बराबर होता है। ठीक है, अब ये पूरा जो हमारा फार्मूला है ये बराबर होता है टी की पावर एन के। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, टी की पावर एन, यानी जो जिसका हम ऊपर फैक्टोरियल ले रहे हैं वो टी की पावर में आएगा। तो टी की पावर फैक्टोरियल किसका ले रहे हैं, दो का, तो किसके बराबर आ जाएगा, दो। ठीक है, यही हमारा फाइनल जवाब है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास लैपलास इनवर्स एक बटा एस जमा तीन बटा एस का स्क्वायर जमा तीन बटा एस की पावर तीन जमा एक बटा एस की पावर चार। ठीक है, पहले हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारा इस पर फार्मूला लग सके, इसके बाद फिर लैपलास इनवर्स हर एक के साथ ले लेंगे। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक ओवर एस ये तो पहले ये वाली फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, इधर क्या है, एस की पावर दो। ठीक है, तो ये वाला लगेगा, अगर इस इधर एस की पावर दो है तो इससे कम ऊपर इसका फैक्टोरियल होना चाहिए। दो से एक कम करेंगे, एक एक का फैक्टोरियल ऊपर भी ज़रब करेंगे और नीचे भी, क्योंकि एक का फैक्टोरियल एक के बराबर होता है, इसलिए इसको ज़रब तकसीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इधर एस की पावर तीन। ठीक है, एस की पावर क्या है, तीन, तो इससे एक कम का ऊपर भी फैक्टोरियल होना चाहिए और नीचे भी। तीन में से एक कम करें तो हमारे पास क्या बचता है, दो, दो का फैक्टोरियल ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी। और इधर क्या है, एस की पावर फोर है, तो चार में से एक कम करेंगे तीन, तो तीन का फैक्टोरियल ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी। तो अब पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये लैपलास इनवर्स एक ओवर एस, ठीक है, ये तीन शुरू में आ जाएगा, एस की पावर कितनी है, दो है, तो इधर देखिए एन प्लस वन है, इससे ऊपर कितना फैक्टोरियल होना चाहिए, एन का, एक से कम का, दो में से एक कम किया, एक एक का फैक्टोरियल ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी, जमा ये तीन है, तीन तीन है तो ऊपर दो का फैक्टोरियल होना चाहिए, तो दो का फैक्टोरियल ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया, एस की पावर तीन। ठीक है, ये चार है तो तीन का फैक्टोरियल ऊपर ज़रब भी होना चाहिए और नीचे तकसीम भी, तो हम ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एस की पावर चार। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें, लैपलास इनवर्स एक ओवर एस, एक का फैक्टोरियल एक के बराबर होता है, तीन को एक बार तकसीम करेंगे तो तीन ही आ जाएगा, एक ओवर एस की ताकत दो। ठीक है, ये तीन, दो का फैक्टोरियल दो के बराबर ही होता है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, दो का फैक्टोरियल एक्स की ताकत तीन, एक ओवर तीन का फैक्टोरियल छः के बराबर होता है, तो छः आ गया, ये ऊपर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हम जो लैपलास है ये अप्लाई करेंगे हर एक पर अलहदा अलहदा, इस पर अलहदा अप्लाई कर लिया, ये तीन कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, एक बटा एस स्क्वेयर के साथ आ जाएगा लैपलास, ये तीन बटा दो है कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, लैपलास इनवर्स इसके साथ आ जाएगा, दो का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर तीन, ये एक बटा छः है शुरू में आ जाएगा और लैपलास इनवर्स आ जाएगा तीन का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर चार। ठीक है,
अब एक बटा एस का लैपलास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास फार्मूलेज है, एक बटा एस का लैपलास एक के बराबर होता है, ठीक है। तो इधर देखें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक के। तो ये क्या, ये 3 वैसे आ गया, लैपलास इनवर्स एक बटा एस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, टी की पावर एन के, एन ऊपर जो होता है उसका फैक्टर होता है, तो टी की ताकत एक आएगी, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे ये 3/2 वैसे आ गया, ये टी की पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 1/6, ये 3 का फैक्टोरियल है, तो टी की पावर क्या आएगी, 3, ठीक है। यही हमारा फाइनल जवाब है, ठीक है। अब हम एक, मैं आपके सामने थर्ड एग्जांपल करूंगा जिसमें ई की पावर ए टी वाला जो फंक्शन है ये इस्तेमाल होगा। अब थर्ड हमारे पास है लैपलास इनवर्स 1/s-1, ठीक है। हम जानते हैं कि लैपलास इनवर्स 1/s-a बराबर होता है ई की पावर ए टी, ठीक है। यानी कि जो इधर आएगा एस माइनस, ये ए होता है हमारा, अगर हम इस और इसको कंपेयर करेंगे तो ए की जगह हमारे पास क्या है, एक। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ई की पावर ए टी, ए की जगह क्या है, एक टी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ई की पावर, टी को एक से तरफ दिया तो टी, ठीक है। आज की वीडियो इधर ही ख़त्म हो रही है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।